हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हम लोग के यूट्यूब चैनल क्राफ्टेड क्लास में। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो इस एप्लीकेशन या इस डेरिवेशन में हम लोगों को करना क्या है कि हमारे पास दो इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स हैं, ठीक है। उनकी वजह से हमें तीन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता करना है, ठीक है। वो रीजन है कौन कौन से, थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी बच्चे। तो बच्चे मेरे पास देखिए ज़रा एक बार, मान लीजिए हमारे पास ये शीट्स हैं, जैसे फर्स्ट शीट हम लोगों ने काउंट कर ली, ये हमारे पास है, ठीक है। ये हम लोगों के पास दो शीट्स हैं, इन दोनों शीट्स पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पता करना है। और हम लोगों ने काउंट कर लिया कि सर दोनों पे ही पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, दोनों पे ही पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। दोनों साइड ही होगा वो ऑब्वियस सी बात है, ये शीट्स हम लोगों ने काउंट की हैं, ठीक है। तो हमने काउंट कर लिया सर हमारे पास ये एक चार्ज शीट है, इनकी वजह से हमें चार्ज फाइंड करना है। देखिए आप चाहें तो एक ही साइड भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो तीन पॉइंट है बच्चों, वो पॉइंट ये है, एक का नाम है पी, क्यू, आर। ये हमारे पास तीन पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है इन शीट्स की वजह से। ये हम लोग हमेशा काउंट करके चलेंगे कि सर ये जो हमारे पास शीट है, दिस इज फर्स्ट शीट एंड दिस इज सेकेंड शीट, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई वन मानेंगे और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे हम क्या मानेंगे, ई टू। इसकी चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा वन मान ली और इसकी चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा टू मान ली, याद रहेगी बात अच्छे तरीके से। तो हम लोगों ने इस तरीके से काउंट किया है कि दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम नहीं है, अभी अलग अलग है, ठीक है। तो अगर बच्चों हम लोग बात करें अभी सिर्फ और सिर्फ पी पॉइंट की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो अब ध्यान दीजिएगा, एट पॉइंट पी, अगर मैं सिर्फ पी पॉइंट की बात करूं तो आप देखिएगा कि सर पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ध्यान देना है सब बच्चों को पी पॉइंट पे। तो बच्चों पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना, आप देखिए सबसे पहले ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इनसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर जा रही होंगे ना, इनसे दूर जा रही होंगी। तो हमने मार्क किया कि सर ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन की वजह से। अब बात आती है ई टू इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि सिग्मा टू डेंसिटी की वजह से है, सेकेंड शीट की वजह से। तो बच्चों उससे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर ही जा रही होंगी ना, क्योंकि फाइनली है तो ये भी पॉजिटिव प्लेट, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर हुई ई टू। तो आप मुझे बताओ ये दोनों तो एग्जैक्टली पैरेलल हैं एक दूसरे के, इसका मतलब सर पी पॉइंट पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो पी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई पी, इट विल बी इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, वो हम दोनों को सम कर देंगे, लेकिन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ये बात याद रखिएगा। हमें शो करके दिखाना है कि हाँ सर वो लेफ्ट की तरफ होगा, ठीक है ना। तो E1 प्लस E2, अब आप एक बात सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों किसी को याद है कि किसी भी एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हुआ करती थी? तो याद करो हम लोगों ने लास्ट क्लास में निकाली थी कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ करता था सिग्मा अपॉन टू ई नॉट, और यहां पहले सिग्मा की वजह से है E1 और ये किसकी वजह से है सिग्मा टू अपॉन टू ई नॉट। तो अगर मैं यहाँ इन दोनों को कॉमन भी लूँ तो ई पी की वैल्यू हमारे पास देखिए एग्जैक्टली क्या आ जाएगी, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो हमने यहाँ वन अपॉन टू ई नॉट कॉमन ले लिया और हमारे पास आ गया सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, ये बात क्लियर हुई। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल एक परफेक्ट इक्वेशन आ गई। अब मान लीजिए अगर एग्जाम में कोई केस ऐसा आता है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि सर सिग्मा वन की वैल्यू और सिग्मा टू की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल हो गई, अगर मान लीजिए हमारे एग्जाम में ऐसा केस आया, क्या इफ सिग्मा वन इक्वल्स टू सिग्मा टू, मैंने ये दोनों सिग्मा के बराबर मान लिए, सर ये दोनों एग्जैक्टली आपस में इक्वल हो गए। तो बच्चों ऐसे केस में बता हमेशा क्या होना है, ऐसे केस में सिग्मा प्लस सिग्मा क्या हो जाएगा, टू सिग्मा। तो ई पी की वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगी, 2 सिग्मा अपॉन 2 ई नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो ई पी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई सिग्मा ओवर ई नॉट। ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से,
ठीक है, अगर मान लीजिए डेंसिटी इक्वल बोल दी गई एग्जाम में, दोनों बराबर है, तो वहां हम सिग्मा अपॉन ई नॉट डील करेंगे। याद रहनी है ये बात बढ़िया तरीके से एकदम, ठीक है ना, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे बच्चों, यहीं पे हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है ना। हम लोग अभी डील करना चाह रहे हैं सर कौन से पॉइंट के बारे में, एट पॉइंट आर, सर आर पॉइंट पॉइंट के बारे में हम डील करेंगे। तो बच्चों आर पॉइंट पे भी आप मुझे एक बार बताइए ना, सेम फंडा तो है आर पॉइंट पे भी। सर ई टू देखिए, ये सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड है ई टू, ये तो इसके पास है, तो इसका तो मुझे कंफर्म है सर, इसकी डेंसिटी या डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ होगी। ईवन भी पॉजिटिव है, दूर है लेकिन इससे तो राइट में है ना। अब ये मत समझना ईवन की तो सर इधर लेफ्ट बता रहे थे, अरे हमने साइड चेंज कर दी है, तो इससे अब इधर अपने राइट में जाएगी, तो ईवन की डायरेक्शन भी इधर हुई। इसका मतलब सर कहीं ना कहीं आर पॉइंट के लिए भी हम लोगों को यही बात डील करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है अच्छे से? तो सर ई आर इक्वल्स टू ई वन प्लस ई टू, ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली ऐड होंगे। जब ऐड होंगे तो बच्चों ई आर की वैल्यू में फिर से हम लोग क्या लिखेंगे बोलिए प्लीज, सिग्मा वन अपॉन टू ई नॉट प्लस सिग्मा टू अपॉन टू ई नॉट। दैट मीन्स सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर इज ऑल्सो इक्वल्स टू वन ओवर टू एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में आ जाएगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। ये बात क्लियर हुई बच्चों कि फिर से हम लोग के पास एक मेन पॉइंट आ गया जिसे हम फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं कि सर अगर फिर से वही वाली कहानी, इफ सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू, मीन्स ये दोनों बराबर है, मैंने मान लिया चलो सिग्मा के इक्वल हो गए है, तो आप फिर से बताइए मुझे इस बार फॉर्मूला क्या आने वाला है। तो सर इस बार फिर से अगर हम लोग लिखें ई आर आर पॉइंट पे, तो ये सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू दोनों बराबर हो गए ना, तो ये हो गए टू सिग्मा अपॉन टू ई नॉट, टू से टू कैंसिल आउट हुआ, आप समझ रहे हैं मेरी बात, ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सर आर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आ जाएगी सिग्मा अपॉन ई नॉट। दैट मीन्स ई पी इक्वल्स टू ई आर, अभी तक तो यही फंडा चल रहा है हमारे सामने। समझ में आ गई ना बात अच्छे से? अब हम लोग डील करेंगे बच्चों नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा, तो वो पॉइंट है हमारे लिए एट पॉइंट क्यू। क्यू का मतलब है बच्चों हम सेंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जब हम सेंटर की बात करेंगे तो इसके लिए ना हम लोग देखिए नॉर्मल तरीके से डील कर सकते हैं। यहां पे सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे प्लीज सर, यहां हमने क्या करना है, क्यू पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो हम लोगों को मार्क करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ना एक चीज पे ध्यान दीजिए बच्चों, सारे बच्चे ध्यान देंगे एक बात पे, देखिए बच्चों यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये सिग्मा वन इस वाली शीट से ये क्यू पॉइंट राइट में है, इसके राइट में है, तो हम क्या कहेंगे सर, ये डायरेक्शन होगी ई वन की, और इससे ये लेफ्ट में है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी ई टू की। देखिए इस शीट से ये ई टू अवे है, इस वाली शीट से ये ई वन अवे है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात अच्छे से? तो ये सर यहां तो इन दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो गई, ठीक है ना। तो यहां हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर सॉरी एट क्यू पॉइंट, यहां हम लोग को डील करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू पॉइंट इक्वल्स टू, बच्चों बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तो हमने मान लिया सर ई वन की वैल्यू ज्यादा बड़ी है, तो ई वन माइनस ई टू, तो हम लोग यहाँ इसे इस तरीके से डील कर लेंगे। समझ में आ रही है बात अच्छे से? तो अभी हमने फिर से ई वन और ई टू की वैल्यू रखी, सर क्यू पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ई वन की वैल्यू होगी सिग्मा वन अपॉन टू ई नॉट माइनस सिग्मा टू अपॉन टू ई नॉट। तो यहाँ हम लोग इजिली कॉमन ले सकते हैं, तो ई क्यू की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में क्या बच गया बच्चों, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू। समझे? तो बच्चों ये हमारे पास एक मेन इक्वेशन बन के आ गई कि सर अगर हमें नॉर्मली डील करना है तो हम लोग इस इक्वेशन को डील कर सकते हैं। और फिर से अगर यही वाली इक्वेशन कंडीशन आ गई, इफ सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू या ये सिग्मा के बराबर है, तो आप इस कंडीशन में क्या देखेंगे मुझे बताइए, इस बार क्या वैल्यू आनी चाहिए खुद से।
तो यहां हम देखेंगे कि सर सिग्मा वन और सिग्मा टू बराबर तो हैं, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, माइनस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू इक्वल्स टू वन ओवर टू एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट पे ध्यान देंगे तो सिग्मा माइनस सिग्मा हो जाएगा हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पॉइंट पे कितना आ जाएगा बच्चों, जीरो। दैट मीन्स क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो आपको पता है एक बात अच्छे से ध्यान रखनी है यहां पे कि सर पी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड इतना आया है और जो डायरेक्शन है वो है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, समझे। अगर मैं बात करूं आर पॉइंट पे तो वो डायरेक्शन किधर है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, समझ में आ रही है बात अच्छे से, ठीक है ना। और इसकी डायरेक्शन आर्बिट्री होगी बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली इसकी कोई डायरेक्शन हम काउंट नहीं करेंगे तो भी चल सकता है, ठीक है। जीरो मैग्नीट्यूड आ रहा है उसकी, तो कोई डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होने वाली इसकी। तो ये हमने डायरेक्शन के साथ चीजें चेंज कर ली और पूरी डेरिवेशन आप लोगों को नजर आ रही है। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से एक बार खुद से डील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फंडा बच्चों हमारा कब का है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी शीट की वजह से पी क्यू आर पॉइंट पे पूछी जाए और उनकी डेंसिटी अलग हो। मैंने स्पेशल केस समझा दिया है, ठीक है ना, कि अगर हम लोग इसे इस तरीके से डील करेंगे। अब बच्चों इसी में एक कंसेप्ट और आया करता है, मैं फटाफट से उसे भी इसके साथ समझा दे रहा हूं कि सर मान लीजिए यहां पे एक शीट पे पॉजिटिव चार्ज होता और एक शीट पे होता नेगेटिव चार्ज, तो सर हम उस केस में क्या डील करेंगे, ठीक है। तो हम मान रहे हैं अभी ये हमारा फर्स्ट केस था इसी शीट्स वाले फंडे से रिलेटेड। अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें तो सारे बच्चे ध्यान देंगे इधर, अभी देखिए बच्चों अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें तो नेक्स्ट केस में हम लोग क्या डील करने वाले हैं, व्हेन बोथ शीट्स आर हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, अगर हमारे पास एक कंडीशन ये आ गई कि सर इस वक्त ना हमारे पास दो शीट है और दोनों पे इक्वल और अपोजिट चार्ज है, सर बराबर चार्ज नहीं है इस बार। अब बोलिए अब क्या करना चाहिए हम लोगों को, तो चलो कोई नहीं करेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए हम लोगों को। तो हमने फिर से ये दो शीट हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है बच्चों। इस बार मैं थोड़ा सा ना दूर कर रहा हूं इन्हें, ये हम लोगों ने दो शीट, वी आर हैविंग टू शीट्स, ये हो गई हमारे पास। और फिर लास्ट टाइम की तरह फिर से हम लोगों ने ये अपनी फर्स्ट शीट काउंट कर ली और ये सेकंड काउंट कर ली। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम E1 काउंट करेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 काउंट करेंगे। इस बार इक्वल एंड अपोजिट है, इसका मतलब क्या है, यहाँ प्लस सिग्मा है और यहाँ माइनस सिग्मा है, समझे। तो मैंने वही काउंट कर लिया कि सर इस शीट के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली और यहाँ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, ठीक है। दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है और हमारे पास बच्चों यहाँ तीन पॉइंट्स हैं जिन पे हमें मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फर्स्ट पॉइंट इज पी, सेकंड पॉइंट इज क्यू एंड थर्ड पॉइंट इज आर। फिर से वही फंडा जो हम लोगों ने लास्ट टाइम यूज किया था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं करेंगे हम लोग इसे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को ये डील करना है, देखिए बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से सुनना फटाफट से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एट पॉइंट पी, सर पी पॉइंट के बारे में डील करना है हम लोगों को, समझ में आ गई ना बात अच्छे तरीके से। और यहां हम लोग डील कर लेंगे एट पॉइंट आर, आर पॉइंट के बारे में डील कर लेंगे और यहां हम लोग डील कर लेंगे एट पॉइंट क्यू, बहुत इजीली डील हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें अभी पी पॉइंट की, तो आप थोड़ा सा ना ध्यान देंगे, देखिए इधर बच्चों पी पॉइंट पर अगर हम ध्यान दें इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो सर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे होगा। तो मैंने मार्क कर दिया सर ये होगा E1 की वैल्यू, ये E2 क्या है नेगेटिव है, मींस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की तरफ जा रहा होगा। तो मुझे बताइए इस बार दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पी पॉइंट पे सेम है क्या, अपोजिट, सर प्रॉपरली अपोजिट है। तो जब मैं लिखूंगा EP तो वो क्या आने वाला है E1 माइनस E2, मीन्स दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो
सर अभी आप बताइए E1 की वैल्यू कितनी है। तो बच्चों हमें तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरली वैल्यू कितनी हुआ करती है, सिग्मा अपॉन 2E0 शीट की वजह से, एक सिंगल शीट की वजह से, और E2 वाली शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2E0। तो आप देखिए दोनों की डेंसिटी ऑलरेडी सेम है, समझ में आई बात अच्छे तरीके से, दोनों की डेंसिटी एग्जैक्टली सेम है। तो बच्चों इस केस में इस पॉइंट पे ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। याद रहेगी बात अच्छे से। उसी तरीके से हम आर पॉइंट पे डील कर देंगे। तो बच्चों आप देखिए आर पॉइंट पे क्या हो रखा है, सर आर पॉइंट पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से अपनी ही तरफ होगा E2। E2 हमेशा अपनी तरफ है, ठीक है ना। तो फिर से हम लोगों ने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इक्वल्स टू E1 माइनस E2, ठीक है सर। दोनों की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब फिर से इनका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, जीरो। और अभी हम लोग बात करेंगे क्यू पॉइंट पे, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस डायरेक्शन में होगा, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा E2। मीन्स सर इस बार ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो गई क्यू पॉइंट के लिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2, दोनों की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी मानते हैं, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2E0 प्लस सिग्मा अपॉन 2E0। तो जो हम इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, तो ये हो गया 2 सिग्मा अपॉन 2E0। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू इज सिग्मा ओवर E0। ये बात याद रहेगी बच्चों हम लोग। तो आप एकदम नॉर्मल तरीके से सोचिए कि ये बातें, ठीक है ना, ये जो फंडा है ये कितना आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है किसी भी तरीके से। तो नॉर्मली हम ये वैल्यू इजीली पता कर सकते हैं कि हाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी शीट की वजह से, अगर उसमें अपोजिट चार्ज भी है तो भी हम लोग बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बच्चों याद रहेगी ये बात अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने पी क्यू आर इन तीनों पॉइंट्स पे पता कर ली, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बच्चों सिर्फ गॉस थ्योरम की एक लास्ट डेरिवेशन बची हुई है, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। और फिर लास्ट क्लास में हम लोग ना इन सारे डेरिवेशन से रिलेटेड जो भी ग्राफ एग्जाम में आ सकता है वो एक साथ पढ़ लेंगे, लेकिन तब तक आप लोगों को अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनके फॉर्मूले याद करने हैं। ओके चलिए, गुड बाय बच्चों।